लंच लाती, चल आज इसका लंच खाते हैं। अरे छोड़ो यार, छोड़ो यार, एक बाइट खिला दे। अच्छा ठीक है खिलाती हूँ। तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। हाँ तुझे मेरे साथ फैमिली से चलना पड़ेगा। हाँ चलूंगी। और तुझे अपना वो पिंक हेयरबैंड लेकर आइए। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का लंच इतना मजेदार बने तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं लेके आई हूँ मंडे टू सैटरडे लंच बॉक्स रेसिपी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल कुक विद निशा को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंडे के लिए हम बनाएंगे मजेदार वेजिटेबल सेवैया। इन सेवैयों को मैंने घर पे ही घी में रोस्ट किया है। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गरम कर लें। तेल के गरम होते ही फ्लेवर के लिए डालें राई और करी पत्ता, और बस राई के दाने चटकते ही इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को गुलाबी होने तक भून लें। इन सेवैयों को हम थोड़ा हेल्दी बनाएंगे, तो यहाँ मैं डालूंगी बारीक कटी हुई गाजर, मटर, शिमला मिर्च, और उन्हें भी तेल में हल्का सा फ्राई कर लूंगी। अब मसालों में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी मसालों को मिला लें और अब इसे ढक दें ताकि सब्जी जल्दी से पक जाए। तो इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। और जैसे ही मसालों में से तेल छूट जाए, इसमें डालेंगे हम रोस्ट की हुई वर्मीसिली या सेवैया। रोस्ट करके डालने से ये बहुत खिली खिली बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस अच्छे से इन सबको मिला लें और अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी डालकर इसे ढककर पकने दें। मीडियम फ्लेम में लगभग 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि दोस्तों सारा पानी सूख गया है और मजेदार वेजिटेबल सेवैया बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी खिली खिली और हेल्दी दिख रही है हमारी सेवैया। और बस अब इन्हें बच्चों के लिए लंच बॉक्स में पैक कर दें। मंडे के बाद अब ट्यूसडे को हम बनाएंगे ये मजेदार वेजिटेबल कटलेट्स, जो ज्यादातर बच्चों को पसंद आता है। इसके लिए लें 2 मीडियम बॉइल्ड आलू, उसे फोक की मदद से मैश कर लें। और अब इसमें डालें कसा हुआ गाजर, कसी हुई बीन्स, बॉइल्ड मटर, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च और चाट मसाला। कटलेट्स को बाइंड करने के लिए मैंने डाला है यहाँ पे 1 ब्रेड का स्लाइस, और इन सबको अच्छे से मिला लिया है। कटलेट्स को क्रिस्पी बनाने के लिए लेंगे ब्रेड क्रम्ब, और अब इस मसाले से कटलेट्स को शेप देंगे। यहाँ पे मैंने इन्हें थोड़ा ओवल शेप का बनाया है। आप चाहे तो बच्चों की किसी भी मनपसंद शेप का बना सकते हैं। और बस अब इन कटलेट्स को चारों तरफ से ब्रेड क्रम्ब्स में लपेट लें और इसी तरीके से सारे कटलेट्स तैयार कर लें। तो सभी कटलेट्स तैयार हैं और अब बस गरम तेल में इन कटलेट्स को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और मीडियम फ्लेम में लगभग 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए तो इन्हें बाहर निकाल दें। और दोस्तों ये गर्मा गर्म कटलेट्स भी तैयार है बच्चों के लंच बॉक्स में पैक होने के लिए। इनकी खास बात ये है कि ये बच्चों को ठंडे भी बहुत पसंद आते हैं। वेडनेसडे के लिए हम बनाएंगे मजेदार बीटरूट बर्गर। इसके लिए भी 2 मीडियम आलू को लें और उन्हें मैश कर लें। और अब इसमें डालें कसा हुआ बीटरूट। दोस्तों बीटरूट ग्रेट सोर्स है फाइबर, आयरन और मैग्नीज का, साथ ही साथ इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। अब इसमें डालें नमक, काली मिर्च और चाट मसाला और इसे भी आपस में मिला लें। टिक्की को बाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स का यूज किया है। आप चाहे तो इसमें एक सूखी ब्रेड भी डाल सकते हैं। और बस अब इनसे भी टिक्की बना लें और इन टिक्कियों को भी ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट लें जिससे कि वो क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर मैंने सभी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब इन टिक्कियों को हम शैलो फ्राई करेंगे, तो जिसके लिए आप तवे में बटर को मेल्ट कर लें। और बस अब इन टिक्कियों को रख के दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लें। मीडियम फ्लेम में लगभग 5 से 7 मिनट में टिक्कियाँ अच्छे से दोनों तरफ से सिक गई हैं तो इन्हें बाहर निकाल लें। दूसरी तरफ बर्गर की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए कटा हुआ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज ले लें। इसमें डालें नमक और काली मिर्च और 1 चम्मच मेयोनीज। और सभी को आपस में मिला लें और तवे में बर्गर को भी दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। और बस अब इसे बर्गर में प्लेस कर दें। तो पहले बन में सॉस की एक लेयर लगा दें, फिर तैयार की गई फिलिंग की लेयर लगा दें, उसके ऊपर रखें बीटरूट की टिक्की, एक लेयर फिलिंग की और लगा दें और उसके ऊपर लगा दें बर्गर का बन। और हमारा मज़ेदार बीटरूट बर्गर भी बनके तैयार है। अब आया है दोस्तों थर्सडे, जहाँ हम बनाएंगे ये चाइनीज़ फ्राइड इडली। दोस्तों इसके लिए इडली को मैंने पहले ही तैयार कर लिया है और उसे 4 भाग में काट लिया। इडली का वीडियो आप मेरे चैनल में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। काटने के बाद इन सबको हम फ्राई करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में डालें 1 बड़ा चम्मच तेल और तेल के गर्म होते ही इसमें डालें लंबा कटा हुआ प्याज, हल्का सा गुलाबी होने तक भून लें। और जैसे ही प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाए, इसमें डालेंगे लंबा कटा हुआ गाजर, पत्ता गोभी, हरा शिमला मिर्च और साथ ही साथ लाल और पीला शिमला मिर्च। इसमें सब्जियों को आप अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार डाल सकते हैं। और अब इसमें डालें 1 छोटी चम्मच नमक और सब्जियों को हल्का सा गलने दें। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। और मीडियम फ्लेम में लगभग 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि सब्जियां गल गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे इडली और इन इडलियों को सब्जियों के साथ फ्राई करेंगे। इसके बाद अब डालेंगे 1 चम्मच चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और बस इन सबको आपस में मिला लेंगे जब तक कि इडलियों में अच्छे से मसाला और सॉस भर ना जाए। तो बस 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से और पकने दें। और यहाँ पर तैयार है हमारी मज़ेदार चाइनीज़ फ्राइड इडली, जो कि बच्चों को लंच में बहुत पसंद आती है। तो क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे को कुछ बनाते हैं फ्राइड और देते हैं मक्की मेथी की पूरी, जिसके लिए पहले मेथी को गर्म पानी में हल्का सा सॉफ्ट कर लें और अब इसे छन्नी की मदद से छान लें। इस पानी को आप आटा गूंदने में इस्तेमाल करें। अब लें 1 कप मक्के का आटा, उसमें डालें 1 बड़ा चम्मच नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच कसा हुआ अदरक और जो मेथी हमने बॉईल की थी उसको डाल दें। इसमें आप चाहे तो स्वाद के लिए बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। और अब गुनगुने पानी की मदद से इसका आटा लगा लें। तो दोस्तों आटा लग गया है। तो बस अब हथेलियों में तेल लगाकर इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लें। पूड़ी बेलने के बाद अब इसे फ्राई करेंगे। तो गरम गरम तेल में इन्हें डाल दें और इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से सिकने तक सेक लें। इसी तरीके से बाकी सभी मक्के की पूड़ियाँ तैयार कर लें। और दोस्तों ये क्रिस्पी पूड़ियाँ भी बच्चों को लंच में बहुत पसंद आती हैं। तो अब चलते हैं सैटरडे की ओर और सैटरडे को मैं बनाऊंगी यहाँ पे मेथी का पराठे। क्योंकि ये सीजनल है तो हम मेथी के पराठे बनाएंगे, नहीं तो आप आलू, मूली या कोई भी बच्चों के पसंद का पराठा सैटरडे को दे सकते हैं। तो इसके लिए लें 1 कटोरी आटा, उसमें डालें 2 चम्मच बेसन, कसी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक और अजवाइन, जिसे मैंने हाथों से कूटकर डाल दिया है। इन सबको आपस में मिला लेंगे। और अब डालूंगी मैं इसमें 1 कटोरी बारीक कटी हुई मेथी। और पराठे सॉफ्ट बने तो डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। अब इन सब का हम आटा लगा लेंगे। आटे को हमें थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है क्योंकि हमें इसके पराठे बनाने हैं। तो बस इसका सॉफ्ट आटा लगा लें। तो यहाँ आटा लग के तैयार है। तो अब इसकी लोइयाँ बना लें। लोइयां बनाने के बाद अब हम इसे बेलेंगे। तो उसको बेलकर इसमें तेल लगाकर इस तरीके से फोल्ड कर लें। दोस्तों यहाँ मैं लेयर वाला स्क्वायर पराठा बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे गोल या अपनी पसंद से बेल सकते हैं। पराठा बेल के तैयार है। तो अब इसे तवे में सेकेंगे। तो अब इसे तवे में दोनों तरफ से सेक लें। आप इसे बच्चों को लंच में अचार या चटनी के साथ दे सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के लंच बॉक्स आइडियाज और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपके बच्चों को कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।